नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा दुनिया पे। मैं पूनम आपके साथ। मणिपुर में महिलाओं को निवास घुमाए जाने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की जांच को सुस्त बताया। कोर्ट ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने हैरानी जताई कि राज्य की जाति हिंसा में लगभग 3 महीने तक FIR ही दर्ज नहीं की गई। बाद में जब 6,000 से ज़्यादा FIR हुई तो इनमें चंद गिरफ्तारियां की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर DGP को कोर्ट में हाजिर होकर इन सभी सवालों का जवाब देने का निर्देश दिया है। FIR में देरी पर केंद्र ने कोर्ट से कहा कि मणिपुर में हालात बेहद ख़राब हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। पिटीशन में पीड़ित महिलाओं की पहचान जाहिर नहीं की गई है। उन्हें X और Y के नाम से संबोधित किया गया है। पुलिस की रिपोर्ट में पीड़ित महिलाओं के नाम कोर्ट में शेयर करने से मना किया गया है, क्योंकि महिलाओं से रेप और हत्या के मामले में याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कहा कि यह रिपोर्ट कानून के खिलाफ है, इसमें पीड़ित महिलाओं के नाम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तुरंत निर्देश दिया कि इस रिपोर्ट को किसी से शेयर मत करना, मीडिया को मत देना, नहीं तो पीड़ितों के नाम सामने आ जाएंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।